और चलिए बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है सिविल लाइंस पर, पत्रकार वार्ता आपको सीधा तस्वीरें दिखाते हैं। जयपुर से ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा है जहां पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आपको बता दें कि महंत बाल मुकुंदाचार्य और रवि नैयर की प्रेस वार्ता हो रही है, जयपुर से ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और देख सकते हैं महंत बाल मुकुंदाचार्य पहुंच चुके हैं और प्रेस वार्ता कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। जयपुर से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ ही देर में ये प्रेस वार्ता शुरू होगी। रवि नैयर भी प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। सिविल लाइंस पर ये प्रेस वार्ता मुकुंदाचार्य जी हैं वर्तमान में हवा महल से प्रत्याशी हैं, रवि नैयर जी हैं वर्तमान में आदर्श नगर से प्रत्याशी हैं, और राजन जी हैं आप गो सेवक हैं। मैं सबसे पहले रवि जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सभी प्रेस के बंधुओं को आज धनतेरस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली का त्यौहार भी आने वाला है, दीपावली की भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। और बड़े भारी मन से आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि आदर्श नगर में गोविंद मार्ग के ऊपर मेरा चुनाव का प्रधान कार्यालय है। मेरे प्रधान कार्यालय में 3 गौ माता थी। जब मेरे को प्रधान कार्यालय मिला तो जिन उनका वो भवन था उन्होंने कहा कि रवि जी ये गौ माता है 3 में हमारे गार्ड रहते हैं यहाँ पे, हम गौ माता को कहीं और भिजवाते हैं। मैं कह मेरे लिए बहुत अहोभाग्य है कि मैं रोज़ सवेरे गौ माता, आप सबको पता है कि मैं कई वर्षों से मेरा पूरा जीवन गौ सेवा के लिए लगा हुआ है। मैं कह ये तो गौ माता की कृपा हुई कि ये गौ माता यहाँ पर, अब वो मेरे को प्रधान कार्यालय मिल रहा है, ये गौ माता यहाँ से नहीं जाएगी। 3 दिन से कार्यालय चल रहा था, रात को हम 1 बजे मीटिंग करके वहाँ से निकले हैं और सवेरे 6 बजे, सबको पता है कि मैं सवेरे 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मेरा गौ सेवा का कार्यक्रम रहता है। जब मैं 6 बजे आया तो देखा तो गौ माता की डेथ हो चुकी थी। मैंने अपने मित्रों को फ़ोन किया, नगर निगम में फ़ोन किया, गाड़ी मंगवाई, 5 बत्ती भी लेके गए। डॉक्टरों ने बोला कि गौ माता तो शहीद हो चुकी है। बंधुओं, हमारी सनातन संस्कृति के अंदर गाय को हम अपनी माँ मानते हैं। माँ क्यों मानते हैं कि जैसे माँ अपने बच्चों के कष्ट जब आते हैं तो अपने ऊपर ले लेती है। हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर ये कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता के अंदर है। और आज धनतेरस वाले दिन, और सबको पता कि धनतेरस वाले दिन राजा पर की सजावट होती है तो उसका थीम ही गौ माता होता है, और शाम को मैं गौ माता की पूजा करता हूँ, तो 3 गौ माता की हत्याएं हो गई। वो स्वाभाविक डेथ नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस दिन से मेरा सिंबल मिला है, पहले मेरी गाड़ी के कांच तोड़े जहाँ पोस्टर लगे हुए थे, फिर हमारे पोस्टर बोर्ड होर्डिंग लगे हुए थे सारे जला दिए, तोड़ दिए, उठा दिए। कल की घटना है, मेरे प्रधान कार्यालय के सामने एक तेज़ गाड़ी से गति से आती हुई, मेरे पास वीडियो है, एक 2 नौजवान थे वहाँ से निकले कार्यालय से, उनको टक्कर मारती चल गई, उसकी टांग के 2 टुकड़े हो गए। मेरे सब ने कहा कि मुकदमा दर्ज कराओ, FIR। मैं क्या, अपने पास मात्र 15 दिन का समय है। गैया मैया ने जी मेरे को टिकट दिया, और नैया भी वो पार के, ये पागल हो गए, ये वहशी हो गए, ये सनातन को खत्म करने के लिए तुले हुए हैं। गैया मेरी रक्षा करे, चुनाव अपना उठ गया, अपने जीत रहे हैं, अपना जो 4-5 लाख रुपए का नुकसान कर देगा कोई अपने को वार नहीं करना, ना इनका बोर्ड फाड़ना है। रात को 1 बजे मैं घर गया हूँ, गौ माता पे वहीं पे थी, और सवेरे 6 बजे गौ माता मृत मिली। 3 गौ माता, एक वहाँ है, एक वहाँ है, एक वहाँ, तीनों अलग अलग कोने में, एक ही जैसी स्थिति में पड़ी हुई। सवेरे मेरे समझ नहीं आई, मैंने कहा जी बेहोश हो गई, कुछ ना कुछ
कई बार हालत है मूर्छित हो जाती हैं। जब डॉक्टर ने सिरे बोला कि तो इनको ख़त्म हुए 3 घंटे हो गए, तो मेरे पैरों से जमीन निकल गई, सुबह से पानी का घूंट भी अंदर नहीं गया। मेरी गौ माता ने अपनी बलि दे दी, मेरे 3-3 गोलियां तो खाती गली, मैं रोया नहीं। मेरे को तोड़ दिया, मैंने तो पार्टी से टिकट नहीं मांगी थी, पार्टी ने सर्वे के आधार पे मेरे को टिकट दी कि गौ सेवक है समाज सेवी है। अरे मेरे पे गोली चलाते, मेरे को मारते थे, मेरी माँ को मार दिया, मेरे को पूरा यकीन है इस व्यभिचारी ने, मेरे को पूरा यकीन से मैं कह सकता हूँ, मेरे को पूरा शक है कि मेरे जो प्रत्याशी है सनातन विरोधी है, ये उसका हाथ है। जांच होनी चाहिए, पूरा बोर्ड बैठना चाहिए। गौ माता जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वहीं पे है, मैंने पोस्टमार्टम नहीं कराया। मेरी मांग है कि राजस्थान सरकार या सेंट्रल सरकार स्पेशल बोर्ड बनाए। इतनी तंदुरुस्त गौ माता जो दूध दे रही हैं, बछड़ा है के साथ में उनका, वो धनतेरस वाले दिन उनको शहीद कर रहे हैं, मेरे को मारो गोलियां कितनी मारनी है, मैं टूटा नहीं आज तक। आप सबको पता है कि समाज सेवा करता हूं, मेरी आंखों पर कभी आंसू नहीं निकले। आज मेरी मां की हत्या हो गई, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपने देखा 2 महीने पहले एक विशेष समुदाय के लोगों का आपस में एक्सीडेंट होता है और फोन करके हमलावरों को बुलाया जाता है और आत्मरक्षा के अंदर 10-15 लोग जब लड़ते हैं तो पता नहीं चलता कौन किसके मारता, कौन किसके मारता, बलवा बोलते हैं उसको। उस परिवार के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज है और 10 परिवार के मेंबर जेल में हैं और जो सरिया लेके आया था उसको आप 51 लाख मत समझिए, उसको लगभग 2 करोड़ रुपए की सहायता दी है। 2 करोड़ रुपए, 51 लाख रुपया सरकारी थड़ी, सरकारी नौकरी, बच्चियों की शादी के लिए पैसा और 50 लाख रुपए का बीमा। 2 करोड़ रुपए की 5 साल के अंदर लगभग हजारों बेगुनाह लोग मारे गए। कितने को इस राजस्थान सरकार ने पैसे दिए हैं, इस लुटेरी सरकार के अंदर ऐसे ऐसे दुष्कर्मी बैठे हैं। अरे मेरी मेरी गौ माता को ले गए। मैं सवेरे रो रहा था कि मैं टिकट क्यों ले ली, मैं सोचता था कि मेरे को टिकट मिली है, गौ सेवा गौ माता मेरे से को बड़ी सेवा लेना चाहती है। आपने देखा कोविड के दौरान हथेली पे जान रख के 25-25, 30-30 हज़ार आदमी का रोज का खाना वहाँ जाता था, यही रफीक खान, और हर रोजाना 3-4 हज़ार पैकेट खाने के लेके जाता था। जयपुर के कांग्रेस या बीजेपी को कोई ऐसा विधायक नहीं है, आप पूछ रही, मैं नाम नहीं लूँगा, सबके यहाँ पे खाने के पैकेट जाते थे। मैं एक जगह बांटने नहीं गया कि मेरा नाम नहीं हो कि मैं बांट रहा हूँ। आर्य समाज के अंदर लंगर लगा हुआ था, 25-30 हज़ार आदमी का रोज खाना जाता था। मैं तब भी नहीं घबराया, मेरे घर वाले लड़ते थे तू हमको मारेगा क्यों करता, 2.5 महीने तक किचन चली, सारी मित्र मंडली थी, तब भी हमने परवाह नहीं की। पंजाब से गोलियां खा के आया था, आतंकवादियों का मुकाबला करके आया था, यहाँ से अपना जीवन मैंने एक छोटे से आइसक्रीम पार्लर से स्टार्ट किया। आप सब जानते हैं पत्रकार बंधु, सामाजिक क्षेत्र में अपना नाम कमाया, अपने परिवार को खड़ा किया, कोई जयपुर में ये नहीं कह सकता। रेलवे स्टेशन से उतर के रिक्शा वाले को बोल दो रवि नगर के जाना, वहाँ पहुँच जाते हैं। एक व्यक्ति बता दे कि मैंने कभी किसी को धमकाया हो, किसी को कूटा हो, बदमाश, हाँ कोई बदमाश मेरे पास आ गया तो उसको मैंने छोड़ा नहीं, ये बाजार के अंदर किसी ने बदमाशी की हो तो, मगर मैंने कभी अन्याय अत्याचार नहीं किया। मगर राजस्थान की ये सरकार गौ माता इसको माफ़ नहीं करेगी। और मैं आपको बता दूं 1966 में इंदिरा गांधी ने गौ रक्षकों पे ऊपर, गौ सेवकों के ऊपर, गौ माता के ऊपर गोली चलाई थी, तो क्या हशर हुआ उसके खानदान का, पल्ले पड़ गया एक पागल जो ख़त्म करने को आया कांग्रेस। ये उसी के वंशज हैं जो गौ माता को मार रहे हैं।
मेरे को पूरा यकीन है इसकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच नहीं हुई तो 15 दिन में राजस्थान में हमारी सरकार बनने वाली है, इसकी जांच करवाएंगे। और सरकार ने अगर गौ माता को इंसाफ नहीं दिया तो मैं जब मुख्यमंत्री जी को जो कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी आपके राज में आपके नेतृत्व में ये दोनों तीनों जो चारों जो विधायक हैं ये आपको ले डूबेंगे, इसका पाप आपको भी लगेगा। गौ माता के लिए न्याय कीजिए। गौ हमारी माँ है, हम कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, और ये हमारी संस्कृति कहती है कि माँ गौ माँ जब भी किसी बच्चे के ऊपर कष्ट आता है तो सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने सरवंश निछावर कर दिया गौ माता की रक्षा लिए, महाराणा प्रताप ने जंगल में घास की रोटी खा ली गौ माता की रक्षा के लिए। आज गुरु गोविंद सिंह जी के पूरी ऐसा भी बहन जी को फोन करके कहते हैं व्हाट्सएप कॉल पे कि पैसा ले ले रफा दफा कर दे, ये बाबा जी तुझे रोज बचाने नहीं आएगा। ये अधिकारियों का चरित्र है। हमने हंगामा करने पर ये मांग की कि आप उनको गिरफ्तार करिए, 25 लोग हैं और 25 लोगों के पास कुछ यहाँ पहनने की एक चीज़ थी, एक बेसबॉल था, डंडा था और एक छोटा सा कटारनुमा चाकू था, चौकी में बरामद करा दिया। लेकिन जब हम लोग पहुँचे उससे पहले अधिकारियों ने दबे शब्दों में कहा कि हमारा नाम मत लेना, हमने दे दिया है लेकिन साहब लोगों ने वापस कर दिया है, यानी रफा दफा कर दिया है। मिली भगत से ऐसा काम चल रहा है कि 5 लोग पकड़े, वो भी किसी का फ़ोन गया और छोड़ दिए गए, आज तक वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बीच में चुनाव आ गया, व्यस्तता बढ़ गई लेकिन मुद्दे समाप्त नहीं हुए अभी। बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं हैं जिनमें ऐसे कांड चल रहे हैं, 5 साल में हुए लेकिन 3 विधानसभाओं का रिसर्च है मेरे पास पूरा। मैं तीनों विधानसभाओं में अभी भी यहीं से कहता हूं आपको, तीनों विधानसभाओं में ले जाके मौके पे दिखा सकता हूं। आप अभी मैं बोलूँगा तो आप लोग कहेंगे कि चुनावी टाइम है इसलिए आपने इसको बुना रहे हो। नहीं बुनाते, नहीं बोलते, हम सरकार में आने के बाद इस विषय पर हम काम करते। लेकिन आज बोलना पड़ा जब गौ माता की हत्या हुई और रवि जी का जब पता चला मुझे कि इन्होंने आज जलपान नहीं किया और उस बात से व्यथित हैं, ईमानदारी से दुखी हैं, आप हम सब गवाह हैं इस बात के। ये व्यक्तित्व कितने वर्षों से किस प्रकार की सेवा कर रहा आप हम सब जानते हैं। जिस प्रकार से बम कांड हुए जयपुर में, उन बच्चियों के आंसू पोंछने वाला कोई व्यक्ति था, प्रथम व्यक्ति था कोई जिसने पूरा परिवार बनाया, हम सबको साथ जोड़ा और उन बच्चियों की विवाह से लेकर सारी जिम्मेदारी की सेवा ली, उनका धर्म का भाई बन के उनका सबका काम किया।